मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने जो सवाल दो दिन पूर्व उठाए थे उन पर किसी भाजपा नेता ने अब तक एक भी बयान नहीं दिया है। अब आज फिर मेरे दो सवाल हैं, क्या उस एनडी ने आत्मसमर्पण किया था? एनआईए कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसका बयान लिया जाए, उसके बाद भी एनआईए ने बयान क्यों नहीं लिया? और गुड़साव सेंडी नक्सलियों की पोस्ट है, नाम नहीं, क्या गणपति ने सरेंडर किया है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? यदि किया है तो कहां सरेंडर किया है? क्या नक्सल नीति के तहत उसे लाभ दिया गया है या नहीं दिया गया है? कल मैंने दो सवाल उठाए थे, गणपति और रमन्ना के संपत्ति कुर की गई तो उसे एफआईआर से उसका नाम बाहर क्यों किया गया था? भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का बयान नहीं आया इसमें। अब मेरा दूसरा सवाल है, गुड़साव सेंडी उस समय आत्मसमर्पण किया था, एनआईए कोर्ट ने आदेश किया था तो उसका बयान लिया जाए, क्यों नहीं लिया एनआईए ने? किसके दबाव में एनआईए है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उसका बयान दर्ज नहीं किया गया, बयान नहीं लिया गया? दूसरी बात, गणपति और गुड़साव सेंडी दोनों नक्सलियों के पोस्ट है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, क्या गणपति ने सरेंडर किया है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? और यदि सरेंडर किया है तो क्या, कहाँ किया है? और उसे नक्सल नीति के तहत क्या उसे बेनिफिट दिया गया है या नहीं दिया गया है? ये दो सवाल और हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बार बार मुझसे पूछती है ना, उसकी जेब में है, प्रमाण बताएं, तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ। बताया भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी तक ईडी के प्रवक्ता बने हुए थे, एनआईए के भी प्रवक्ता बने। कल नीति आयोग की बैठक है, उसमें शामिल होऊंगा, प्रदेश के बहुत सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके बारे में वहाँ बात रखी भी जाएगी।